हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। स्वागत है आप सबका मैथ्स की क्लास में। बच्चों, हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0 ये नंबर्स काउंट करने और लिखने सीख लिए हैं। आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। और आप होमवर्क भी करते होंगे ना? वेरी गुड। तो बच्चों, आज हम उसके अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, एडिशन। कैसे हम ऐड करते हैं, आप सबको बोर्ड पर ध्यान देना है बच्चों। ये है राजू। कौन है राजू? इसके पास मैंगो है। कितना मैंगो है बच्चों इसके पास? राजू के पास 1 मैंगो है। कितना मैंगो है? 1। ये है राजू पास 1 मैंगो। ओके बच्चों, गुड। और ये है रमा। कौन है बच्चों? ये है रमा। रमा के पास भी कितना मैंगो है? 1 मैंगो है। कितना मैंगो है बच्चों? 1 मैंगो। राजू के पास 1 मैंगो एंड रमा के पास भी 1 मैंगो। आपको क्या करना है बच्चों, इस बॉक्स में इन दोनों मैंगोज को ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे हम लोग? राजू का 1 मैंगो, 1 मैंगो इधर ड्रॉ कर लिया। ओके बच्चों। और रमा का 1 मैंगो, 1 मैंगो इधर ड्रॉ कर लिया। ओके बच्चों। तो आपको काउंट करना है कितना मैंगो है इस बॉक्स में। 1 एंड 2। काउंटिंग तो आपको आती है। वेरी गुड। इसे काउंट करके बताना है। 1 एंड 2। टोटल राजू के पास 1 मैंगो, रमा के पास 1 मैंगो। दोनों को लेके हमने इस बॉक्स में रख दिया। तो बॉक्स में कितने मैंगोज हो गए बच्चों? 2 मैंगोज। तो 2 कैसे लिखते हैं? आपको इस बॉक्स में क्या लिखना है? 2 काउंट करके, 1 एंड 2। 2 ऐसे लिखते हैं। इसी को बच्चों कहते हैं एडिशन, ऐड करना। ओके बच्चों, 1 मैंगो प्लस 1 मैंगो हमने ऐड कर दिया तो कितना हो गया टोटल? 2 मैंगोज। तो कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो बच्चों, हमें आज एडिशन ही सीखना है। आप हम थोड़ा बुक में देखेंगे, उसके पहले बच्चों हम समझ लेते हैं एडिशन करते समय। जैसे ये 1 है, यहाँ पे हमने लिखा 1। फिर हम एक साइन लगाते हैं प्लस की, इसको कहते हैं प्लस। क्या कहते हैं? एडिशन का साइन है प्लस। इसे हम हमेशा यूज करते हैं। तो ये राजू का 1 मैंगो और ये रमा का 1 मैंगो। टोटल कितना हो गया? 1 प्लस 1। यहाँ पे हमने काउंट किया, कितना है? 2। इसको कहते हैं इक्वल टू। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, टोटल कितना आया बच्चों मैंगोज? 2। ये हो गया 2। इसको और डिटेल में हम सीखते हैं अपने थोड़ा बुक में से। आपको समझ में आ गया ना? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इस साइन को क्या कहते हैं? प्लस। एक किसके लिए यूज होता है? एडिशन के लिए, गुड। और एक किसके लिए यूज होता है? इज इक्वल टू। दोनों को ऐड करने के बाद हमें आंसर मिलता है 2। हम लोग थोड़ा सा अपने बुक में देख लेते हैं। बच्चों, लेसन का नाम है लेटर्स ऐड। ध्यान से देखो पिक्चर में। ये पिक्चर में रमा है और यश है। इस पिक्चर में रमा रमा के पास एक ब्लॉक है। रमा का है, दिस इज माय ब्लॉक। पिंक कलर का ब्लॉक जो है रमा का है यहाँ पर। और जो यश है उसके पास भी एक ब्लॉक है। यश क्या बोल रहा है? यश हैज 1 ब्लॉक। यश बोल रहा है दिस इज माइन। रमा के पास एक ब्लॉक और यस के पास एक ब्लॉक। तो दे टुगेदर हैव 2 ब्लॉक्स। जैसे हमने पहले अभी ऐड किया था वैसे 1 प्लस 1 मेक्स 2। तो दोनों को मिलाकर कितने ब्लॉक्स हो गए टोटल? 2 ब्लॉक्स। तो बच्चों, इसी को हम एडिशन कहते हैं। टू ऐड टू नंबर्स प्लस साइन इज यूज्ड, इट इज रीड एज प्लस। हमने अभी सीखा ना प्लस कैसे लिखते हैं। ये साइन को क्या कहते हैं? प्लस। इसको हम रीड कैसे करते हैं? प्लस। इट इज़ रीड एज प्लस। साइन इज इक्वल टू सोर्स इक्वालिटी। यहाँ पे देखो ये साइन, इसे कहते हैं इक्वल। ये क्या शो करता है? बराबर है, मतलब इक्वल है। इसको कैसे बनाते हैं? ऐसे। इसे हम कहते हैं इज इक्वल टू। तो बच्चों, हम बोर्ड पर देखेंगे कैसे हम प्लस और इक्वल का साइन यूज करते हैं ऐड करते समय।
ओके बच्चों, नेक्स्ट पिक्चर हम लोग देख लेते हैं। ध्यान दो आप लोग बच्चों, इसमें देखो कुछ पिक्चर्स बने हुए टॉप्स के, जो आप खेलते हो ना टॉप खेलते हैं ना बच्चों। ओके, पहले पिक्चर में देखो कितने टॉप हैं, यहाँ पे 2 है, तो हमको क्या करना है, इस बॉक्स में 2 लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ देखो 2। ओके बच्चों, यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ पे 1 टॉप है बच्चों, देखो 1 टॉप है और नीचे 1 लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, 2 टॉप और ये 1 टॉप, दोनों को मिला के हमने इधर बनाया हुआ है, तो इसे काउंट करना है। काउंट करो 1, 2 एंड 3, कितने टॉप्स हो गए टोटल 3। यहाँ पे नीचे देखो बच्चों, इस बॉक्स में 3 लिखा हुआ है। ओके बच्चों, ऐसे ही हमें उसके नीचे का भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके बच्चों, लॉलीपॉप आपको पसंद है ना, वेरी गुड। यहाँ पे आपको काउंट करना है कितने लॉलीपॉप्स हैं, काउंट करो बच्चों 1, 2, 3। ओके बच्चों, तो 3 हैं, तो 3 हमको कहाँ लिखना है, इस बॉक्स में, पिंक कलर के बॉक्स में लिखना है। काउंट करके हमें इस बॉक्स में कितना लिखना है, 3 लॉलीपॉप है, इसलिए यहाँ पे हमने कितना लिख दिया 3। ओके बच्चों, और यहाँ पे प्लस है, ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे हमको लिखना है 3 और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे कितना है काउंट करो 1 एंड 2, 2 लॉलीपॉप, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, 3 प्लस 2, दोनों को यहाँ पे मिला के बनाया गया है। देखो नीचे यहाँ पे टोटल कितने हैं, अभी टोटल काउंट करो बच्चों 1, 2, 3, 4 एंड 5, टोटल कितना हो गया बच्चों 5 लॉलीपॉप्स हो गए हैं। तो हमें क्या करना है, नीचे के बॉक्स में बच्चों पिंक कलर का जो बॉक्स है, यहाँ पे हमें टोटल काउंट करके लिखना है 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। ओके बच्चों, समझ में आ गया ना आप सबको, वेरी गुड। ऐसे ही आपको अपने नोटबुक में जो होमवर्क दिया जाएगा कंप्लीट करके लिखना है। तो बच्चों, आप सबको समझ में आ गया हम ऐड कैसे करते हैं, काउंट कैसे करते हैं। ओके बच्चों, आपको जो होमवर्क दिया जाएगा उसे आप कंप्लीट करके दिखाना है। ओके।